हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिलेश कुमार श्रीवास्तव है। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने ये देखा था कि ग्राफ को कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने एडसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखा, एडसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखा, और इसके बाद हमने इंसिडेंस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखा। फिर हमने कोड करके देखा कि एडसेंसी लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है एरे ऑफ वेक्टर का यूज करके। तो हम आपको इस वीडियो को देखने से पहले आपको मेरी पुरानी वीडियो देख लेनी चाहिए, प्रीवियस वीडियो, जिससे कि आपको पता चले कि हम किस तरह से एरे ऑफ वेक्टर का यूज करके एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से इन डिग्री और आउट डिग्री हम फाइंड करते हैं किसी वर्टेक्स की। तो आइए इन डिग्री और आउट डिग्री हम फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ग्राफ है और इस ग्राफ में हमें इन डिग्री फाइंड करनी है एंड आउट डिग्री फाइंड करनी है किसी वर्टेक्स की। तो लेट से आई रिप्रेजेंट करता है इन डिग्री और ओ रिप्रेजेंट करता है आउट डिग्री। तो इन डिग्री का ये मतलब है कि किसी वर्टेक्स से कितनी एज किसी वर्टेक्स पे कितनी एजेस टर्मिनेट हो रही है। जैसे कि जीरो नंबर है, जीरो नंबर वर्टेक्स पे कोई भी एज टर्मिनेट नहीं हो रही, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी जीरो। लेकिन वन नंबर वर्टेक्स पे एक एज टर्मिनेट हो रही है, 01, इसलिए इसकी इन डिग्री हो जाएगी वन। वर्टेक्स नंबर टू पे एक एज टर्मिनेट हो रही है, 02 वाली, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी वन। वर्टेक्स नंबर थ्री पे तीन एजेस टर्मिनेट हो रही है, इसलिए इसकी इन डिग्री हो जाएगी थ्री। वर्टेक्स नंबर फोर पे दो एजेस टर्मिनेट होती हैं, इसलिए इसकी इन डिग्री हो जाएगी टू। आउट डिग्री क्या होगी? जितनी एजेस हमारी ओरिजिनेट हो रही है किसी वर्टेक्स से, हम उसको आउट डिग्री कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो वर्टेक्स नंबर जीरो है उससे तीन एजेस ओरिजिनेट होती हैं, तो इसको हम लिखेंगे आउट डिग्री इसकी थ्री। वर्टेक्स नंबर वन से दो एजेस इमर्ज होती हैं, एक E5 और एक E6, तो इसलिए हम इसकी आउट डिग्री कहेंगे टू। वर्टेक्स नंबर टू की आउट डिग्री वन है, क्योंकि E4 एज केवल इससे ओरिजिनेट होती है, तो वर्टेक्स नंबर टू का जो आउट डिग्री हो गया वो वन हो गया। वर्टेक्स नंबर थ्री की जो आउट डिग्री है वो वन होगी, E7 एज इससे निकलती है। वर्टेक्स नंबर फोर की आउट डिग्री जीरो होगी, क्योंकि इससे कोई भी एज नहीं ओरिजिनेट होती। तो अगर हम इसके इस ग्राफ के एडजेसेंसी लिस्ट की बात करें, तो आइए हम इसकी एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो जो जीरो से जो कनेक्शन है वो हमारा है E1, E2, E3 के आधार पे हम बना रहे हैं इसको। सो टू थ्री और वन, जो वन से कनेक्शन है पहले E5 एंड देन E6, तो E5 कनेक्शन है थ्री और E6 कनेक्शन है फोर। जो टू से कनेक्शन है वो केवल E4 का है, इसलिए इससे एंट्री होगी थ्री की। थ्री से जो कनेक्शन है वो केवल एक है, वो है E7 का, मतलब कि फोर वर्टेक्स, और फोर से कोई कनेक्शन नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एरे ऑफ वेक्टर हमने बनाया है, इस एरे ऑफ वेक्टर में हर वेक्टर की जो साइज है वो मुझे ये बता रहा है कि इससे कितनी एजेस ओरिजिनेट होती हैं या कितनी एजेस इमर्ज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जीरो वाले वेक्टर की जो साइज है वो थ्री है, इसमें तीन वर्टिसेस, तो इसमें ये बता रहा है ये कि जीरो नंबर वर्टेक्स से कितनी एजेस इमर्ज होती है, तो इसका मतलब ये आउट डिग्री बता रहा है। सिमिलरली, वन नंबर वर्टेक्स से कितनी एजेस इमर्ज हो रही है, वो है टू, तो इसकी आउट डिग्री है टू। इसी तरह से टू नंबर वर्टेक्स से केवल एक एज निकल रही है, इसलिए इसकी आउट डिग्री वन होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हर एक वेक्टर की साइज निकाल लें, जैसे अगर हम ये माने कि ये एडजेसेंसी लिस्ट है और इस एडजेसेंस ये एडजेसेंसी लिस्ट एरे ऑफ वेक्टर है, तो अगर हम ये निकाल लें कि ए डी जे जीरो की साइज कितनी है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस जीरो नंबर से की आउट डिग्री कितनी है। सिमिलरली, अगर मैं ए डी जे फोर डॉट साइज पता कर लूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि वर्टेक्स नंबर फोर की आउट डिग्री कितनी है। तो बड़ी आसानी से मैं आउट डिग्री फाइंड कर सकता हूं, मुझे बस उस वेक्टर के साइज निकालना। लेकिन मैं इन डिग्री कैसे फाइंड करूंगा? इन डिग्री मुझे राइट हैंड साइड पार्ट से मिलेगा। राइट हैंड साइड पार्ट मतलब इन सभी एंट्री से इन डिग्री पता चलेगा। तो इन डिग्री के लिए मैंने क्या किया, हम मान लेते हैं कि मैंने एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल ले लिया है, और इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल की जो साइज है वो है नंबर ऑफ वर्टिसेस के इक्वल। तो लेट से इसका जो नाम है वो DAT है, और इस DAT में जो इंडेक्सेस हैं
वो 0 से 4 तक हैं, और इसके बाद मैंने इनकी सभी एंट्रीज को 0 इनिशियलाइज कर लिया है। 0 क्यों इनिशियलाइज किया, मैंने मान लिया सभी वर्टिसेस की इंटीग्री 0 है। अब इसके बाद मैं हर एक वेक्टर में एंट्री करता हूँ, और जब मैं वेक्टर में एंट्री करता हूँ तो पहली एंट्री मुझे मिलती है 2, 0 नंबर। तो 2 के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट एड्रेस टेबल में 0 से 1 कर लेता हूँ। फिर मैं इस 3 में प्रवेश करता हूँ और 3 वाली एंट्री को 0 से 1 कर देता हूँ, एंड देन मैं 1 वाले में एंटर करता हूँ और 1 वाले को 0 से 1 कर देता हूँ। इसका मतलब काउंटिंग में अपडेट कर रहा है। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि जितने एंड पॉइंट्स हैं या एच के, अगर एच मेरी ए बी है तो इस एच ए बी का जो सेकेंड वाला पार्ट है या जो एंड है वही मुझे इन डिग्री दे। तो मैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अपडेट कर रहा हूँ इस डायरेक्ट एड्रेस टेबल में एंट्रीज को। तो मुझे यहाँ पे सेकेंड वाले में जब मैंने एंट्री किया तो मुझे मिला 3। 3 पे मैं जाके 2 कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 3 की इन डिग्री अब 2 हो गई। इसी तरह से 4 वाली एंट्री पे मैं चला जाता हूँ और इसमें 1 कर देता हूँ, इसका मतलब है कि 4 पे एक एज टर्मिनेट हुई है अभी तक। फिर मैं नेक्स्ट वेक्टर में प्रवेश करता हूँ और नेक्स्ट वेक्टर में मुझे फिर से 3 मिलता है, तो मैं 3 वाली एंट्री को 3 कर देता हूँ, 2 से 3 एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ। इसमें और एंट्रीज नहीं है, फिनिश हो गई। अब मैं इस वाले वेक्टर में एंट्री करता हूँ और इसमें इस एंट्री को रेफर करता हूँ। यहाँ पे ये 4 दिख रहा है, तो 4 वाले डायरेक्ट एड्रेस टेबल के 4 एंट्री पर जाके मैं 1 से 2 कर देता हूँ। सारी एंट्री फिनिश हो गई इस वेक्टर की। अब मैं एंट्री करता हूँ इस वाले एरे ऑफ वेक्टर में और इसमें पता चलता है कि कोई एंट्री नहीं है, तो मैं फिनिश कर दूंगा और डायरेक्ट एड्रेस टेबल में जो एंट्रीज है वही मुझे इन डिग्री बताएगा। जैसे कि 0 की इन डिग्री 0 है, 1 की इन डिग्री है 1। आप देख सकते हैं कि 1 नंबर वर्टेक्स की इन डिग्री केवल 1 है। सिमिलरली 2 वाले 2 वर्टेक्स की जो इन डिग्री है वो 1 है। आप देख सकते हैं कि 2 वाले वर्टेक्स की जो इन डिग्री है वो 1 है। 3 वर्टेक्स जो आपका है उसकी इन डिग्री 3 है। आप देख सकते हैं कि जो 3 वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री 3 हमने निकाली थी। जो 4 नंबर वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री 2 है। आप देख सकते हैं कि 4 नंबर वर्टेक्स की इन डिग्री हमने 2 निकाली थी। तो हम इस तरह से डायरेक्ट एड्रेस टेबल का यूज करके ये निकाल सकते हैं कि इन डिग्री और आउट डिग्री क्या है। तो आइए इसको हम कोड करते हैं। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था और उस ग्राफ के एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर किया था। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम में किया था, हमने सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टिसेस की एंट्री ली थी यूजर से, फिर नंबर ऑफ एजेस की एंट्री ली थी, एजेस के एंड पॉइंट्स को हमने एंट्री कराया था ए और बी में, और उसके बाद एक एरे ऑफ वेक्टर जो हमने लिया था एडजेसेंसी मैट्रिक्स का, सॉरी एडजेसेंसी लिस्ट का, जिसकी साइज वी थी, उसमें ए में पुशबैक करा लिया था बी को। अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो बी में हम ए को भी पुशबैक कराते, लेकिन चूंकि हम डायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ए में पुशबैक कराएंगे बी को। मतलब कि जो हमने एरे ऑफ वेक्टर बनाया है उसमें ए वेक्टर में एंट्री कराएंगे बी की। फिर हमने डिस्प्ले करके देखा था कि किस तरह से हम एडसेंसी लिस्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं। तो आउटर लूप बता रहा है नंबर ऑफ वर्टिसेस, और हर एक वर्टेक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक एडसेंसी एक एरे ऑफ वेक्टर है, उसमें जो भी एंट्रीज हम उनको प्रिंट करा रहे हैं 1 बाई 1 करके। अब इसके बाद हम इन डिग्री और आउट डिग्री कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले इन डिग्री की बात करें तो इन डिग्री मुझे क्या करना है, हर एक वेक्टर की साइज को डिस्प्ले कर देना। तो मैंने आई इक्वल्स टू 0 लिया, आई लेस देन वी लिया एंड आई प्लस प्लस, और हर एक वेक्टर की साइज को हमें डिस्प्ले कर देना है। तो मैं इस तरह से कह रहा हूं कि सी आउट, सबसे पहले सी आउट यहां पे कर देते हैं। तो हमें न्यू लाइन में आना है और न्यू लाइन में आके हम कह रहे हैं इन डिग्रीज आर। तो हमें वर्टेक्स नंबर पहले 1 की बात करनी है, सॉरी वर्टेक्स नंबर 0 की बात करनी है। तो पहले आई हमारा वर्टेक्स नंबर बता रहा है, जो कि आई वेरी कर रहा है 0 से लेके v-1 तक। तो वर्टेक्स नंबर आई की हम बात कर रहे हैं, और वर्टेक्स नंबर आई का जो इन डिग्री है वो है ADJ i डॉट साइज।
आई होप आप समझ रहे हैं इस बात को, कि आई नंबर वर्टेक्स का जो इन डिग्री है वो इसके साइज के, इस वाले वेक्टर की साइज के इक्वल है। इसको प्रिंट कराने के बाद हम न्यू लाइन में आ जाते हैं। तो इस तरह से हम इन डिग्रीज को प्रिंट कर लेते हैं। सॉरी, ये आउट डिग्री है, आई एम रियली वेरी सॉरी, दिस इज द आउट डिग्री। नाउ इन डिग्री को हम कैसे प्रिंट करेंगे? इन डिग्री को प्रिंट करने के लिए हमें एक डायरेक्ट एड्रेस टेबल लेना पड़ेगा, और उस डायरेक्ट एड्रेस टेबल में एंट्रीज करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ। तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक लिप से एक DAT ले लिया है, इंटीजर टाइप का। तो हमारे पास एक वेक्टर है DAT, इसकी साइज V होगी, और अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब है कि DAT के सभी एंट्री को आप जीरो से इनिशलाइज कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली इसको इनिशलाइज करना चाहते हैं तो ऐसे कह सकते हैं DAT V,0। अदरवाइज आप जीरो नहीं भी लिखेंगे तो भी ये इनिशलाइज कर देगा जीरो से। ओके, सो DAT में सभी एंट्री जीरो से इनिशलाइज हो गई हैं, और जैसे ही आप किसी एज की एंट्री कराते हैं वैसे ही आप इस DAT में ए नंबर, सॉरी एंड पॉइंट, मतलब कि सेकंड वाला पॉइंट बी के अकॉर्डिंग। तो एज अगर ए से बी है तो हमें बी की बात करनी, तो ये जो बी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग DAT में आप चले जाइए और उस एंट्री को एक अपडेट कर, एक इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो DAT में जो एंट्रीज होंगी वो हमें इन डिग्रीज देंगे। तो जैसे हमने एच की एंट्री कराई उसी समय हमने DAT को भी अपडेट कर लिया। अब इसके बाद हम आउट डिग्री प्रिंट कराते हैं। आउट डिग्री कैसे प्रिंट होगी? आउट डिग्री को, सॉरी इन डिग्री प्रिंट कर रहे हैं हम। आउट डिग्री हमने ऑलरेडी प्रिंट कर ली है साइजेस के हिसाब से। तो इन डिग्री को प्रिंट करने के लिए हमने एक जो DAT लिया है उसकी साइज V ही है ऑब्वियसली, और उस DAT के सभी एंट्रीज को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो वर्टेक्स नंबर आई की हम बात कर रहे हैं, और वर्टेक्स नंबर आई में आई की इन डिग्री क्या होगी? हमें DAT में जाना है और DAT में आईएथ एंट्री को प्रिंट करना है। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ खोल लेते हैं और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रिंट करके देखते हैं इन डिग्री एंड आउट डिग्री। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास ग्राफ में कितने वर्टिसेस है। तो हम एक काम करते हैं कि जो ग्राफ हम लोगों ने व्हाइट बोर्ड पे पिक किया था उसी ग्राफ को कोरस्पॉन्डिंग हम लोग एंट्रीज कराते हैं। तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, थोड़ी साइज इसकी छोटी कर लेते हैं। और इस ग्राफ में जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो है 5, टोटल नंबर ऑफ एजेस इस ग्राफ में है 7, H1 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 और 2 हैं, H2 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 और 3 हैं, H3 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 0 और 1 हैं, H4 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 2 एंड 3 हैं, H5 के एंड पॉइंट्स 1 और 3 हैं, H6 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 1 और 4 हैं, H7 के जो एंड पॉइंट्स हैं वो 3 और 4 हैं। तो देखिए, तो एक एक करके हम लोग एंट्रीज को वेरीफाई करते हैं। ये हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है, एंड देन ये आउट डिग्रीज हैं। आप चेक कर सकते हैं कि H0 की आउट डिग्री 3 है, H1 की आउट डिग्री 2 है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। H4 की आउट डिग्री 0 है क्योंकि इससे कोई भी एज टर्मिनेट नहीं हो रही। अब इन डिग्री की बात करते हैं, तो 0 नंबर वर्टेक्स की जो इन डिग्री है वो 0 है क्योंकि इसमें कोई भी एज टर्मिनेट नहीं हो रही है। वर्टेक्स नंबर 1 की और 2 की जो इन डिग्री है वो 1 है क्योंकि एक एक एज टर्मिनेट हो रही है यहाँ पे, और H4 की जो इन डिग्री है वो 2 है। तो इस तरह से हम लोगों ने इन डिग्री और आउट डिग्री फाइंड कर लिया गिवन ग्राफ का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को यूटिलाइज करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट को फाइंड। तो ये मेरी यूनिक वीडियो होगी, आई थिंक कि यूट्यूब पे कहीं पे भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट को फाइंड किया गया हो। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।